जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। बाई यह भी कहा करती थी, जिस तरह श्री यमुना जी सभी को सुलभ है, उसी प्रकार मेरे लिए भी उचित यह है कि मैं यमुना किनारे सभी के लिए सुलभ रहूं। यमुना किनारे किसी से मिलने और बात करने में भला क्या संकोच। एक लाभ और है, यमुना किनारे जो भी भाई या बहन अपनी बात कहेंगी, उसको मेरी बहन यमुना जी भी सुनेंगी, और उसका सहज लाभ यह होगा कि यमुना जी की धारा में उसके सारे दुख दर्द आदि व्याधि विघ्न बाधा आदि सब बह जाएंगे और उसका सब प्रकार से मंगल ही होगा। इन दिनों बाई अनेक उन भाई बहनों से मिलती रहती थी जिनको श्री भाई जी और बाबा से जीवन निर्माण की प्रेरणा मिली थी, जो यथाशक्ति साधन पथ पर चलने का प्रयास कर रहे थे। वृंदावन में नित्य वास का व्रत लेकर रहने वाले साधन परायण भाई और बहनें भी उनसे मिलने का अवसर ढूंढती रहती थीं। सभी को बाई के शब्दों से और शब्दों से अधिक जीवन से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला करता था। एक दिन डॉक्टर चंद्रेश भाई बाई से मिले। डॉक्टर चंद्रेश ने बाबा के अंतिम दिनों में उनकी बड़ी सेवा की थी। उनकी श्री बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तब डॉक्टर चंद्रेश गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के एक छात्र थे और वहाँ की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात अब वे वृंदावन में कार्यरत हैं। श्री बाबा के न रहने के बाद डॉक्टर चंद्रेश को प्रेरणा मिलती थी बाई के सानिध्य में। एक दिन डॉक्टर चंद्रेश भावाकुल होकर बाई से कहने लगे, बाई, बाबा अब नहीं रहे, वे हम लोगों को दिखलाई नहीं देते, अब तो एकमात्र आपका ही सहारा है। डॉक्टर चंद्रेश के विकल उद्गार सुनकर उनको समझाती हुई बाई बोली, भैया मैं अब कितने दिन की हूँ, मेरा समय पूरा हो चुका है, मेरी हार्ट उठने वाली है। हार्ट उठने का संकेत बाबा की ओर से मिल चुका है। मैं तो अपने उस भाई के पास जाने वाली हूँ जो मुझे सहोदरा कहा करते थे। सहारा उन्हीं बाबा का रखो, विश्वास करो कि वे निरंतर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी संभाल करते हैं। यदि तुम कल बाबा के सहारे रहे, उनके न रहने पर आज मेरे सहारे रहे, और मेरे न रहने पर कल किसी तीसरे का सहारा लोगे, इस प्रकार सहारा ढूंढने की आदत बन जाएगी, जो आध्यात्म मार्ग में सर्वथा अशोभनीय है और इससे प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। एक द्वार से दूसरे द्वार जाते रहने पर जीवन में एक निष्ठा और अनन्यता पनप ही नहीं पाएगी, और अध्यात्म पथ में प्रगति के लिए एक निष्ठा और अनन्यता अपरिहार्य है। द्वार द्वार भटकने के स्थान पर मेरा कहना यह है कि सीधे मार्ग पर सहज रूप से चलो और मन से बाबा के ही चरणाश्रित रहो। बाई की यह अति नेक सलाह पाकर डॉक्टर चंद्रेश बड़े प्रभावित हुए। इस तरह बाई ने भरपूर प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया हमीरपुर के ओम नारायण जी दुबे को, और वे बाई के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा तथा राधाष्टमी के अवसर पर तो गीता वाटिका जाते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी साल में और भी एक दो बार श्री बाबा की लीला स्थली गीता वाटिका को प्रणाम करने के लिए चले जाया करते हैं। इन्हीं दिनों श्री बाबा द्वारा लिखित जय जय प्रीतम काव्य का प्रकाशन हुआ। इस काव्य में श्री बाबा के काष्ठ मौन की परम एकांत अवधि में तरंगित भावोदधि के रस उर्मियाँ हैं। काष्ठ मौन की अवधि में श्री बाबा जिन रस उर्मियों पर लहराते या उनमें निमग्न रहते थे, उन्हीं का इस काव्य में वर्णन है। कानपुर वाली श्यामा बाई से यह काव्य बाई यमुना तट के एकांत में घंटों घंटों दत्त चित्त होकर सुनती रहती थी। जैसे जैसे यह समाचार फैलता गया कि बाई की हार्ट उठने वाली है, दर्शनार्थी भाई बहनों का तांता लग गया। वृंदावन के अच्छे अच्छे साधक और कुछ संत भी बाई से मिलने के लिए आते ही रहते थे।
भागलपुर, गोरखपुर, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, पटना, इस प्रकार जगह जगह से श्रद्धालु लोगों का आना जाना हो रहा था। वे लोग उत्सुक रहा करते थे कि बाई से बातचीत करने का अवसर कुछ क्षणों के लिए मिल जाए। बाई मिलने वाले भाई बहनों में से किसी से कहती वृंदावन वास करो, किसी से कहती हरिनाम संकीर्तन करो, श्री भाई जी और बाबा की लीला स्थली गीता वाटिका में वर्ष में श्री भाई जी और बाबा की लीला स्थली गीता वाटिका वर्ष में एक दो बार जाया करो, किसी से कहती श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करो, किसी से कहती हर तीसरे महीने श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करो, श्री बिहारी जी के दर्शन और श्री बरसाने वाली के दर्शन किया करो। इस प्रकार मिलने आने वाले प्रत्येक भाई बहन को कुछ न कुछ ऐसा निर्देश देती जो उनके लोक परलोक एवं परमार्थ तीनों का सुधार करता। यहाँ इतना तो कह देना आवश्यक लग रहा है कि बाई की पहुँच त्रिकालातीत थी और प्रश्न करने वाले भाई या बहन के भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को देखकर उसके हित में जो होता था वही वर्तमान काल में करने के लिए निर्देश देती। कमल जी का वृंदावन से बड़ा लगाव है। वे गोरखपुर की गीता वाटिका में रहकर भी साल में एक आध बार वृंदावन आ जाया करती हैं और पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी, संतोष बहन जी, उषा बहन जी, मानव सेवा संघ की बहन देवकी जी और रुक्मणी बाई आदि से मिलने में ही इनका समय देखते देखते बीत जाता था। वृंदावन का कोना कोना कमल जी का जाना पहचाना है। यमुना जी के किनारे ही कमल जी की बहन का घर है, अतः श्री यमुना जी तो उन्हें अपनी सी लगती हैं। यमुना जी के सुंदर तट पर बैठने का और निर्मल नीर में नहाने का अनेकों बार अवसर मिला है। एक दिन बाई से मिलने के लिए कमल जी यमुना तट पर आईं। बाई से मिलने के लिए यमुना जी के उस पार जाना आवश्यक था और पार जाने के लिए ज्यों ही वे नौका पर चढ़ीं उन्हें विचित्र आह्लाद का अनुभव होने लगा। ऐसा आह्लाद तो उन्होंने पहले कभी नहीं हुआ था। यमुना जी तो कई बार आना हुआ है पर इस बार का आना तो कोई अनोखा ही रंग दिखला रहा है। कमल जी ने मन ही मन समझ लिया कि यह तो बाई की यमुना तट पर उपस्थिति का प्रभाव और उनके भाव राज्य का प्रत्यक्ष विस्तार है। उस पार जाकर कमल जी बाई के पास पहुंच गई। कमल जी को देखते ही बाई के चेहरे पर प्रसन्नता नृत्य करने लगी। अंतरंगा सहेली कमल जी को देखकर मन की उत्फुल्लता का नेत्रों में उतर आना स्वाभाविक था। अपने पास कमल जी को बैठाकर बाई रीझे रीझे मन से बातें करने लगी। बातों का सिलसिला टूट ही नहीं रहा था। कितने घंटे बीते इसका भान दोनों को नहीं। यमुना जी के नितांत एकांत तट पर बैठी हुई और अपने लीला राज्य में डूबी हुई बाई को जो लीलाएं अनुभूत होती वे सुनाती जाती। अंतरंग होने से अंतरंग बातों को भी बतलाने में कोई संकोच नहीं था। यमुना जी की ओर हाथ का इशारा करते हुए बाई ने कहा, ये तो मेरी बहन है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मैं अपनी बहन के समीप बैठी हूँ। यह बहन भी कौन जो प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण की नित्य रस लीला में अनवरत सहयोग देती रहती हैं। यही तो उनका रास विहार चलता है, यही उनका नौका विहार होता है, यही उनकी जल कीली होती है और यही उनकी लुखा छिपी चलती है। मेरी बहन यमुना ने उनकी जिन जिन लीलाओं को देखा है वे मुझे सुनाती हैं, कभी कभी दिखाती हैं। लोग कहते हैं और पूछते हैं कि तुम यमुना तट पर क्या करती हो। उन देखने और पूछने वालों को सर्वथा निष्क्रिय दिखलाई देने वाली यह यमुना कितनी सक्रिय है, कितना विभोरा है, कितनी सहयोगिनी है, कितनी उल्लासमयी है, कितनी तरंगायमान है, वे अनुमान ही नहीं लगा सकते। उन देखने वालों के सामने यमुना जी तो मात्र जल की धार हैं और वही धारा मेरे लिए नित्य कृष्ण प्रिया श्री यमुना है। उनकी लहरें राधा रानी के गीत गाती हैं जिनके गायन का कभी अंत नहीं आता। मैं ही भले उठकर चली जाऊं पर यह तो चाहती है कि मैं इसी तट पर बैठी रहूं। और सच बताऊं कमल जी, मेरा भी मन यहां से उठने का नहीं करता। लोग प्रश्न करते हैं, तुम कैसे रात के 12 बजे तक तट के
घोर एकांत में बैठी रहती हूँ। जिन्हें कुछ दिखलाई नहीं देता वे तो इसे घोर एकांत कहेंगे, पर मैं उन्हें कैसे बतलाऊं कि यहाँ सहस्त्रों सहस्त्रों सखियाँ सहचरियाँ मंजरियों का नित्य सेवा चर्या चलती रहती हैं, श्री प्रिया प्रियतम का अनुगमन करती हुई सहयोग देती हैं, हास्य विनोद करती हुई साज सजाती हैं, लटकती मटकती हुई वे लीला सुख की भूमिका बनाती हैं और लीला रस को प्रवाहित कर देती हैं। जय श्री राधे।